नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, संवाद कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। संवाद कार्यक्रम यूपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो यूट्यूब का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो है, जिसका न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आपको सुबह मॉर्निंग में अमृतसर के द्वारा दिया जाता है, उसको एनालिसिस को पढ़िए आप लोग, परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और जो भी, चाहे प्री के प्रीलिम्स के पेपर हो, चाहे मेंस का पेपर हो, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान का एक मुद्दा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, आपने देखा होगा तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया है, तो हर मुद्दे पर अमृतसर ने डिस्कशन किया। आज का अगर किसी ने वीडियो देखा नहीं हो तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे हम लोग का डीएनए हो, डेली न्यूज एनालिसिस हो, डीसीए हो, डेली करंट अफेयर हो, टॉप 10 करंट अफेयर हो, डेली करंट का क्विज हो, सभी आपको अवेलेबल होगा युक्ति आईएएस के चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का पहला जो आपका टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक जो है वह है संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य क्या है, सरकार का प्रयास क्या है, या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ा जो है वो क्या कहता है, इसके सभी मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला युक्ति आईएएस हमेशा के लिए आपके लिए तत्पर है, यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, हिंदी स्टेट पीसीएस, कोई भी पेपर हो, सबके लिए यूपीपीसीएस का युक्ति आईएएस का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। जिनको भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, तो डायरेक्ट संस्थान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संवाद कार्यक्रम क्या है जान लीजिए। संवाद का तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। संवाद, यस से होता है सपोर्ट, ए से होता है एडवोकेसी, एंड यम से क्या होता है मेंटल होता है। हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रेन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। जो संवाद का जो फुल फॉर्म है, पहले तो ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि भाई संवाद का फुल फॉर्म क्या है। यस से क्या मैंने बताया, सपोर्ट है, ए से क्या है एडवोकेसी है, और उसका यम से क्या है मेंटल है, हेल्थ है, इंटरवेंशन है फॉर चिल्ड्रेन के लिए है, इन वनरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना अवसाद की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये रहा संवाद का फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं संवाद कार्यक्रम क्या है। इस मुख्य मुद्दा यही है कि आखिर संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, पहले याद रखिए कौन सा डिपार्टमेंट है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट बड़ा पूछता है। तो संवाद आखिर कार्यक्रम चल रहा है तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण शुरू किया है, यानी स्टेज सेकंड द्वारा संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस डिपार्टमेंट के थ्रू, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का सेकंड चरण शुरू किया है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, जिनका नाम है क्योंकि सास भी बहू वाली जो थी, स्मृति ईरानी जी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मतलब 14 अगस्त 15 अगस्त के एक दिन पहले बेंगलुरु में, कहां पर हुआ था, बेंगलोर में हुआ था, संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो इससे देखिए तीन चार क्वेश्चन आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा। मान लो आप लोग वनडे एग्जाम का पेपर देते हैं, तो वनडे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किस राज्य में किया गया। एक क्वेश्चन, सर बेंगलोर में किया गया। दूसरा क्वेश्चन, किस डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय के थ्रू किया गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौन मंत्री हैं, तो स्मृति ईरानी हैं जो इस समय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये भी संवाद कार्यक्रम का चरण सेकंड है, फर्स्ट नहीं है सेकंड चरण है, स्टेज सेकंड है। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कब किया गया, 14 अगस्त 2021 को किया गया। देखो यहीं पर चार क्वेश्चन आप लोग को मिल गए। चरण सेकंड जो है कार्यक्रम के एक वर्ष पूरा होने पर शुरू किया, यानी कि जो चरण स्टेज सेकंड जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो स्टेज फर्स्ट जो है एक साल कंप्लीट कर लिया, यानी कि 14 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, और 14 अगस्त 2021 को चरण फर्स्ट जो शुरू किया, इसके उपलक्ष्य में अब चरण सेकंड, जैसे मोदी 1.0, मोदी 2.0, वैसे ही ये भी है, चरण फर्स्ट चरण सेकंड हो गया। तो 14 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था और 14 अगस्त 2021 को फर्स्ट चरण समाप्त हो गया। अब 14 अगस्त 2021 से सेकंड चरण की शुरुआत की गई है, बेंगलुरु से शुरुआत की गई है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग का मीटिंग चल रहा है यहाँ पर। चलिए एक नोटिस भी है कि टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन में जरूर ये शामिल रहेगा, जरूर देखें इसको। उद्देश्य क्या है, आखिर इस संवाद कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य साफ है कि कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ होते हैं। आप देख रहे हैं ना, ट्रैफिकिंग की समस्या सबसे ज़्यादा भारत में कितनी ज़्यादा है, कितने बच्चे अनाथ बच्चे हैं जिनको तरह तरह की यातनाएँ दी जाती हैं, और इसके साथ ही साथ तरह तरह के जो अवैध काम होते हैं उसमें भी उन लोगों को, मतलब जो लोग इसको हायर करते हैं, जो लोग अवैध काम में भी उन बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। आप जरूर देखे होंगे, अगर पिक्चर देखते होंगे तो आप लोग इस बात को जानते होंगे अच्छे से। तो कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार हैं या अनाथ हैं, ठीक है।
क्योंकि ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इससे पूर्व सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए एक विशेष पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ये कार्यक्रम तो चलो ठीक ही चल रहा है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों को फोकस किया जाएगा जो बच्चे मानसिक स्वास्थ्य तक उनका पहुंच बनाना है, जो बच्चे तस्करी के कारण या अनाथ हैं उन सब के लिए है। इसके साथ ही साथ इससे पहले जो सरकार ने क्या किया था, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए जो भी बच्चे थे उन बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम चालू किया था जिसका नाम था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा भी किया था। यह एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संस्थान है। ये क्या है, पीएम, यह एक राष्ट्रीय पहल है और इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन है, एकीकृत संसाधन है जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल का कार्य करता है। यानी कि ये जो आपका संवाद कार्यक्रम जो है एक राष्ट्रीय पहल और इसके साथ एकीकृत संसाधन है जो कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी मानसिक स्वास्थ्य, उसका मनोसामाजिक देखभाल का कार्य करता है। इसमें बचपन के आघात, कानून के उल्लंघन में बच्चों के लिए हस्तक्षेप, बच्चे और किशोर मनोरोग में फोरेंसिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। तो इसमें ध्यान से इसको पढ़ लेना कि इसमें बचपन के आघात, जो बचपन में उनके ऊपर जो साइड इफेक्ट पड़ते हैं जो गलत चीज़ों के, कानून के उल्लंघन में बच्चों के लिए हस्तक्षेप, या बच्चों और किशोर मनोरोग में फोरेंसिकता, मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरह है। इसके साथ साथ गोद लेने की स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सुरक्षा तथा देखभाल भी इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यह पहल जो है बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, टेली परामर्शदाता, टेलीफोनिक जो परामर्शदाता होते हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए, कानूनी पेशेवरों सहित 1,00,000 से अधिक हितधारकों को प्रशिक्षित कर संकटग्रस्त बच्चों के लिए मुकाबला तंत्र प्रदान कर रही है ये संवाद कार्यक्रम। तो इसमें देखना हर सेक्टर स्पेस पे बात किया गया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब खास क्यों है ये जान लीजिए। संवाद कमजोर परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपाय और संकट कार्यक्रम है संवाद जो है, बता चुका हूँ मुझे। वित्त पोषण महिला और बाल विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जो है स्मृति ईरानी के पास है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है इसका नेतृत्व किया जाता है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और बीमा तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा। और जो ये जो संस्थान जो है मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का शीर्ष केंद्र है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट करके यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित है और गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, ठीक है, इस निमैंस ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा निर्देश का एक सेट भी जारी किया है। इसके साथ साथ संवाद जो है पंचायती राज प्रणाली के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने तथा जागरूकता पैदा करने एवं जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार के लिए देश भर के आकांक्षी जिलों में काम शुरू करने हेतु ये भी तैयार है। क्योंकि जेल में जिस तरह से कैदियों को रखा जाता है, उनकी जो मानसिक प्रताड़ना जो दी जाती है, जिस तरह से वो लोग गुजरते हैं, इस पर भी उन लोगों उस पर डिस्कशन किया गया कि गृह मंत्रालय के अनुरोध पर निमैंस जो है NIM जो है निम हैंस जो है ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर, उसके मैनेजमेंट पर दिशा निर्देश का एक सेट भी जारी किया है। इसको देख लीजिएगा, आंकड़े क्या कहते हैं, द लेसेंट साइकोट्रॉटी, एक मिनट जाइए आप लोग, द लेसेंट साइकोट्रॉटी द्वारा फरवरी 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत में 193.7 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं। और आज तो देख लीजिए ना, सभी ग्रस्त हैं। मैक्सिमम लोगों की सच्चाई यही है कि जिस आडंबर भरी दुनिया में, जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग डिप्रेशन में हैं। कोविड की वजह से लोगों अपने घर में रहें और ये डिप्रेशन का जो रिपोर्ट है काफ़ी बड़ा है लोगों में। तो मैंने कहा कि एक रिपोर्ट आई थी द लेसेंट साइकोट्रॉटी द्वारा फरवरी 2020 में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 तक भारत में 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त थे। इसके साथ साथ शेष मानसिक रोगों में अवसाद ग्रस्ता विकार 45.7 मिलियन और चिंता एवं तनाव संबंधी विकार 44.9 मिलियन शामिल थे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। चलिए, जिसकी हस्ती कायम है उसकी मस्ती कायम, याद रखिएगा। चलिए, तो इसको डेटा को आप देख लीजिए। और भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी, विकलांगता एवं समाजित जीवन जो है इसको भी देख लीजिए। भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी, विकलांगता, समाजित जीवन जो है, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर जो है डेली जो है के आधार पर वर्ष 1990 में 2.5% थी और 2017 में बढ़कर 4.7% हो गई है। देख लीजिए, ये स्थिति है, डेटा भी है और जो जनसंख्या भी बढ़ रही है और जिस तरह से हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यूपी में तो अब बिल बिला दिया गया। 6-7% जनसंख्या मानसिक विकारों से ग्रस्त है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर के कारण डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ जो है ईयर का नुकसान डायरिया, मलेरिया, कृमि संक्रमण और तपेदिक की तुलना में बहुत अधिक है और इन विकारों को मिलाकर वैश्विक बीमारी का 12% है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह 2020 तक बढ़कर 15% हो गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सरकार का प्रयास क्या है? सरकार का प्रयास देखिए वही है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक विकारों के भारी बोझ और योग पेशरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NSMP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1982 से किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक विकारों के भारी बोझ और योग पेशरों की कमी को दूर करने के लिए। इसके साथ 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की रणनीति को पूरा निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकरण, मेडिकल कॉलेजों या सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विंग का उसका उन्नयन, या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, या मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुँच की गारंटी भी ये देता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम ने IPC की धारा 309 के उपयोग के दायरे को काफ़ी कम कर दिया है और आत्महत्या करने के प्रयास को केवल एक अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भारत ने 2007 में अनुमोदित की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2018 में इसे लागू किया भी था। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण योजना देख लीजिए। केरल जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या का विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर जारी किया है। मनोदर्पण पहल भी है, या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल भी है। इसका साथ COVID-19 के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान भी करता है। और भी देखिए, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुरुआत किया था। मानसिक स्वास्थ्य सेवा विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, समुदाय में स्वयं सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित भी करता है। इसके साथ जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया था। और DMSP जो है आपका जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है बेल्लारी मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? बेल्लारी मॉडल पर आधारित है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेशनल मेंटल जो हेल्थ प्रोग्राम जो है आपका 1982 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा डेट। UPPSC जैसी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो ये रहा संवाद कार्यक्रम, पूरे डिटेल बताया गया आपको किस पर आधारित है, क्या करना है, कौन मंत्रालय है, कहाँ पर शुरुआत किया गया, सेकेंड चरण है, कौन मंत्री है, सब मुद्दों पर बात किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो। और बहुत जल्दी अफगानिस्तान के मुद्दों पर एक वीडियो लेके जरूर हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।